फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी बजे है शाम के 6 और दीदी मेरे बालों में कर रही कंघी। आज मैंने अपने बाल वॉश किए थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे मुझे बाल वॉश कर रहे हो, तो आज मैंने बाल वॉश किए थे। तो अभी दीदी अपने मेरे बालों में कंघी कर रही। ऑयल डाल दो पहले। पहले ऑयलिंग करेगी, फिर मेरे बालों में कंघी करेगी, मेरी एक चुटिया गूंथेगी। एक बनानी दो एक ड्रेंड्रफ निकल गया है, नहीं हो रहा। हो रहा ना? आज मेरे पर सही तरह सिर नहीं धोया, नहीं माँ धोक रहा है मेरा सिर। नहीं माँ इसमें धोए, धोवे इसमें धोए थे मट्ठे में। नहीं, दही दही और नहीं तेल लगा गए माँ, और आज मैंने कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही धो लिया था, तो इस वजह से हो रहा माँ। खेल चुके हैं मैचिंग की फुटबॉल, और हम खेल रहे थे बैडमिंटन। हम बोर हो रहे थे तो हम बैडमिंटन खेल रहे थे, जो पापा भी लाए थे नए नए, जो हमारे पुराने वाले थे ना वो टूट गए थे, और हमारी शटल कॉक जो थी ना, शटल कॉक वो पेड़ पे जाके लटक गए थे, जो मैंने कूद थोड़ी सी बच रही है। देखो चलो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, गर्मी लगी थी पूरे खेलते हुए, और थोड़ी सी देर खेले, ज़्यादा तो खेले नहीं हम। तो चिंकी आ गया अंदर, अभी आ रही है, अभी आ गई सामान लेकर, अपनी कान्हा जी को बिठा दिया, ऐसे नहीं यहाँ पर थोड़ी देर को बाहर बिठा दें हम कभी कभी कान्हा जी को, राधे राधे कान्हा जी, बिठा दिया है कान्हा जी को झूले पर। बिठाओ, जब भी मैं बिठाऊँ ना इन्हें झूले पे बिठाऊ, पर आज मैंने ऐसे ही बिठा दिए। सही कह रहा है, देखो यो ना, उन्होंने वैसे ही बना दिया था साइड साइड में स्टूल सा, तो फिर मैंने कहा कि ये तो कान्हा जी के बैठने बैठने का हो जाएगा। बेड नहीं बनाया कान्हा जी लागे, दिखाऊ? नहीं रहा। हाँ बना रखा, कान्हा जी बिठा दिया, राधे राधे कान्हा जी। हमारे ये कान्हा जी है छोटे से, ये बेड तो ऐसा तो हमने बनवाया छोटा सा, दागाओ जल्दी। और देखो दीदी इसके अंदर बिस्तर है, बहुत मजा आया। खाल चल रही थी, अच्छा चिड़िया चू चू कर रही थी, सनसेट होने लग रहा, अच्छा मजे है पूरे, बहुत बढ़िया नज़ारा हो रहा। कौन थे यहाँ से? मम्मा थे, वे थे मजदूर, और चचा है। कल चलेंगे घूमने के लिए, है ना? ये जब भैया आ गए, जब जाएंगे। ओके बाय। भैया तो आए नहीं, मेरे साथ हम बाइक पे आए हैं। वो देखिए रोड से कैसे देख रही है, देखो परेशान हो गई वो, आपको देख कर हंसरी ना। चलो आओ आ जाओ, चले भैया चले। देखो देख पैरों में, बड़े पैरों में हटने, नहीं कोई बात नहीं। हाँ देखिए पूछ मार दी मेरे, हटे ने चल गया भैया, बहुत बिल्लिया बिल्लिया पिटाई कर दो बे। नहीं आ रही, नहीं हो, बैठ के आराम था, आराम था। देखिए जी चल दिया ऊपर, क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ गेर में से, और बनाना थोड़ा सा पीले चावल, और यहाँ पर मैंने बना दिया पीले चावल। अभी बजे है 8:15 रात की, पापा जी अभी नीचे ही है, कोई नहीं है ना नीचे, तो इसलिए नीचे जा लिया है वे। तो मैंने खाना बना दिया है, बर्तन भी साफ कर दिया है, जो दोपहर के बर्तन रखे ना। मैं अभी आई थी 7:30 बजे गेर में से, और मैंने ना पीले चावल बनाए हैं, जो लेट हो जाते आज खाने में। फिर सब्जी बनानी थी, आलू टमाटर की सब्जी, कह दे पापा जी, तो देखो टाइम तो लगता है ये भी, बस फिर बोल ले चावल बना ले पीले चावल, तो इसलिए मैंने पीले चावल बना दिए। तो देखिए तो भाई भी जा चुका है आज वैष्णो देवी, अमित भाई,
और वैष्णो देवी जा चुके हैं वे भी, 8 दिन बाद आएंगे वे भी घूम घाम के, पूरे 9 माताओं पे जाएंगे वे अपनी, जब माता बुलाएगी जब चले जाएंगे घूमने के लिए, कोई बात नहीं। अभी माता मुझे बुला रही नहीं, जब बुलाएगी तो एकदम प्लान बनेगा मेरा जाने का, तो कोई नहीं, भगवान इनकी इच्छा पूरी कर दे, माता रानी इनकी मनोकामना पूरी कर दे, और हमें क्या चाहिए बस यही चाहते हैं हम जी। कैसे आप सब आए हो, क्या आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह के बजे है 6:30, तो अभी बनाना मुझे नाश्ता पापा के लिए, और देखिए कैसा देख रही है, वो देखती है और कीर्तन चल रही है हमारे यहाँ पर, मैंने कीर्तन चला दिया वो पापा जी, हम सब मैं पापा जी और गगन भाई सोए थे नीचे, तो पहले बना लेती हूँ मैं नाश्ता पापा जी के लिए, चाय चुए बना देती हूँ। मैंने आम काट दिया है 2 मोटे मोटे से, वो देखिए हाँ चले ना क्या हुआ पीछे 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 डो चले, वो रोटी तो दे दी मैंने इधर पापा जी बैठे हैं तैयार हो गए, क्योंकि जाना है इन्हें इच्छा ऑफिस में, अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं। हरी मिर्च डाल देती हूँ इसकी बनानी हूँ मैं आज चटनी, चटनी बनवा के ला रही हूँ मैं आज, आज से नहीं बना रही मैं, मशीन से बनाऊँगी। पर देखिए फ्रेंड सारा काम निपटा दिया मैंने नीचे का, कपड़े भी संगवा देते और झाड़ू के ले आ देते अच्छी तरह से, और ये बैठक का गेट खुल रहा है क्योंकि इसमें ना रोड से लेट रही है, तो मैंने सर आपकी थैली मंगवाई फिर कल कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि भाई गया था ना कल वैष्णो देवी, तो उन्होंने अच्छा संगत था जो कपड़े धोवे, तो इसलिए मैंने आज मंगवाई है सर आपकी थैली, वो कपड़े हो रहे हैं ज़्यादा, तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, लाइट भी आ रही है, इसके बाद मैं कटहल बनाऊँगी, कटहल मैंने कटवा देता हूँ सुबह, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा काटने में, कि ना कल चाची जी ने पूछवा देता दोपहर के टाइम बबली चाची ने, और कह रही थी बोल रही थी कि कटहल बना लेगी पूजा, तो कटहल काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं सोच रही हूँ काट देता हूँ मैंने अभी वो, और चटनी बना दी है मैंने आम की, खाती हूँ आपको सॉरी मैंने दिखाया नहीं आपको काटते हुए, वैसा काट दिया है मैंने, देखे कितना निकला है छिल्ला, वो डाल दे कूड़े में है। इसमें बनानी है मुझे सब्जी, और सब जा चुके हैं ड्यूटी पे, और अंकित भाई अभी आया नहीं घेर में से, रात में घेर में सोए थे यहीं पर सोता, अंकित भाई घेर में के सुनील चाचा जी और माँ पिताजी जा रहे हैं वैष्णो देवी, और चाचा जी है बस राजेंद्र बाबा जी, चाचा जी बोलते हैं हम, बाबा जी नहीं बोलते किसी को भी, और पिताजी बाबा जी को हम, एक को तो हम पिताजी बोलते हैं, एक दो चाचा जी है, चाचा है राजेंद्र चाचा और राजू चाचा, तो इन्हें हम बोलते हैं, बाबा जी नहीं बोलते हमारे घर में कोई भी, सब चाचा और पिताजी बोलते हैं। चटनी वो देखिए हरी हरी सी हो रही है आम की चटनी, इसमें ना मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची नहीं डाली, तो हरी मिर्च और चीनी डाली है थोड़ी सी, तो इसे रख देती हूँ फ्रीज में जिस तरह की ख़राब ना हो गए, तो वैसा तो खराब होने के नहीं में, और लाइट आ रही है पानी भी चलाना है मुझे पहले, और कटहल मैंने काट कर रख दिया यहाँ पर धो कर अच्छी तरह से, इसका पानी नहीं चढ़ रही है, तो इसे ना आज मैं बना रही हूँ उबाल के, वैसे नहीं बना रही क्योंकि चूल्हे पे धूप आ चुकी है, और चूल्हे पे भी बनने का नहीं धूप में, तो मैं सोच रही हूँ उबाल के बना लेती हूँ, इतनी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और मुझे बर्तन साफ करने हैं, जो कंच वाले बर्तन हैं वो उठा कर रखने हैं, क्योंकि कल ना पापा के स्टाफ में से आए थे मेहमान, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कपड़े मशीन में, कपड़े धो जाए के साथ और मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, इसके बाद मैं देखती हूँ, बस ये रह रहे हैं मेरे वाले ये दो, ये तो मैं जो है ये वाले है ना ये हाथ से धो दूँ, ये हाथ से धोने हैं मुझे, और ये धोने हैं मुझे, कपड़े निकाल दिया मैंने मशीन में को सुखाने वाले में को, इन्हें फैला कर रही हूँ ऊपर, नहाने का पानी भर दिया है, रोटी को बनवानी है और भाई भी नाले का है, तो इसलिए पानी भर कर रख देती हूँ ताज़ा, और कैम टैंक भर रही हूँ, तो वैसा सारा काम निपटा दिया मैंने, 11:30 बजे है अभी, और बस फिर इसके बाद मैं करना है मुझे आराम रसोई में, बस ये मुझे गैस साफ करनी है और सलेब साफ करनी है, देखिए मक्की बैठ गया कितनी सारी, तो बर्तन भी मैंने साफ कर दिया है, बस सलेब पर गैस रह रहा है, ऊपर फैला दिया है इधर, देखिए ये वाले भी ज़्यादा
थे तो इसलिए मैंने ऊपर फैला दिया और थोड़े से फैलाया नीचे, यहाँ पर भी फैलाया है रेलिंग पे और इधर भी डाल दिया। कपड़े ज़्यादा हो रहे थे, कल नहीं धोए थे, और दीवार पे भी फैला दिया मैंने। देखिए अभी बजे है दोपहर के 12:30 और मैंने निपटा दिया सारा काम, इब करना है मुझे आराम। मैं चलती हूँ नीचे, नीचे रोड से भी लेट रही है और दोपहर से हो रहा है 12 बजे तो साथ इतनी क्या वैसा सुबह ही हो जाती है कैडी धूप तो, और अभी 12 बजे ना ऐसा जी करता है लेट जाऊँ काम निपटा के, फिर भी टाइम तो हो जाता ही है। जितने भी सवेरा सोचती हूँ काम निपटाने को उतने ही लेट हो जाती हूँ। मैं सोची थी 11:30 बजे लो निमट जाए कपड़ा का काम, पर अभी 12 बजे निपटा है मेरा काम, अभी बजे है 12:30। और चलती हूँ मैं नीचे, नीचे ही आराम कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया कुंडी ऊपर की, आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में दिखाऊंगी आपको शाम के टाइम क्या। और आज मुझे बनाना है कटहल, कटहल की सब्जी, कटहल मैंने काट के रख दिया था वो रखा है, तो शाम के टाइम चिल्ले पे बनाऊंगी, इसे काट के रख दिया फ्रिज में। तो देखिए फ्रेंड्स कुंडी मैंने दे दिया है नीचे की, क्योंकि अभी सोना है मुझे, नीचे आई थी मैं ठंड के मारो, यहाँ पर कोई नहीं है ना, पर रोड सी और मैं ही हूँ इधर, देखिए रोड सी पानी पी रही थी, तो इसे भी मैंने खाना खिला दिया है अभी दोपहर का भी, और मैं कह लेती हूँ आराम, बैठक में मैंने पंखा चला दिया है, देखिए चल रहा है तू, और भाई जा रहा है घेर में, देखिए तरह तो मैं बैठा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं आई हूँ नीचे से, और मौसम भी ख़राब हो रहा है, सो के उठी हूँ मैं भी अभी, भाई आया है अभी, तो इसके स्टाफ में से आ रहे हैं 2-3 जने, तो इसमें लाया समोसे और नमकीन बिस्कुट। इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि चाय चाहती है मुझे शाम के टाइम, तो इधर मैंने कटहल उबालने के लिए रख दिया है, सिट्टी लगा देती हूँ, इसके बाद मैं इतना तैयारी कर देती हूँ, टमाटर प्याज और लहसुन छील देती हूँ, और ये बर्तन साफ करने हैं। मैंने तैयारी कर दिया है, ये है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, इधर लहसुन प्याज, और ये भी उबाल दिया मैंने ए सिट्टी में, ज़्यादा सिट्टी लगाई सिर्फ एक, तो इसका जो पानी है ना वो निकाल देती हूँ झरने में को, और ठंडे करने के लिए डाल देती हूँ इसे झरने में, तो झरने में डाल रख दिया मैंने। देखिए सोची थी चूल्हे पे बना लूँ मिट्टी वाले पर, बारिश से आने शुरू हो चुके हैं इसलिए गैस पे बनानी पड़ेगी, तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे बनाने के लिए, अब डाल देती हूँ उसमें तेल, कि गर्म हो चुकी है कढ़ाई हमारी, अब डालती हूँ लहसुन प्याज और लाल मिर्ची, अब डाल देती हूँ टमाटर और हरी मिर्च पेस्ट, हो चुका है हमारा कटहल, हो चुका है इसमें लाल लाल हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ कटहल। अरे हमारा कटहल देखिए कितना अच्छा बना है, तो इसे हल्की आंच में ही पकाना है, तो इसे ढक देती हूँ, और मौसम भी का हाल, तो अभी बजे 6:45 क्या हो रहा है, इसके पैर में कुछ होया, क्या हुआ तेरे पैर में, ये वाला पैर में कुछ होया इसके, इसमें बड़ वाले हो जाए वो रेलिंग में कभी फंसवा लिया हो, शाम की पूजा कर ली है और दिए भी लगा दिए हैं माता रानी के पास, तो देखिए ये वाला मंदिर है केदारनाथ, कितना सुंदर मंदिर है केदारनाथ मंदिर है ये वाला, देखिए सुंदर लग रहा है, और ये वाली तस्वीर भी भाई लाया है बद्रीनाथ से, इतना सुंदर मंदिर है हमारा। तो मैंने कटहल की सब्जी बना दी है, देखिए कितनी अच्छी बनी है, आप भी खा लीजिए कटहल, और रोटी भी सेक दिया मैंने साथ के साथ, अभी काम निपटा देती हूँ,
साथ के साथ कढ़ाई भी साफ कर दूँ। वैसा अच्छा ही बन रहा है, खाना भी खाया नहीं, जब खा रहे थे जब पता लगेगा कैसा बन रहा है। यहाँ पर मैं पापा जी को दे देती हूँ खाना। यहाँ पर कटहल रखा है, यहाँ पर चटनी है आम की, और ये रोटियाँ। ये पापा जी को ना मैं चुपड़े हुई रोटियाँ नहीं देती, इनके ना खस्सी से हो जाते हैं ना, फिर परेशानी से हो जाती है अच्छी बनाई से। तो आप भी खा लीजिए खाना गरम गरम, कटहल और चटनी रोटी।